इंसान का इल्म उसके सीने से ऐसे निकल जाता है जैसे ऊंट अपनी नखील छुड़ा के भागता है। इल्म इंसान के सीने में तभी रासिख हो सकता है जब वो उसके ऊपर इस्तकलाल के साथ और कंसिस्टेंट तफक्कुर करे, तदब्बुर करे, तज़क्कुर करे, किताबों में, कायनात में गौर व फिक्र करे। और फिर इंसान निस्यान से भी है, भूल जाता है, और इंसान बहुत भूल जाता है। इसलिए इंसान को अपनी सोच, अपनी फिक्र, दिल पर से या जहन पर से गुजरते हुए ख्यालात को अकीदे की शक्ल देने के लिए और सही और सालिम अकीदे की शक्ल देने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए किसी चीज़ को सरसरी तौर पर पढ़ लेना या देख लेना या उसका मुताला कर लेना या उस पर गौर व फिक्र करने से वो चीज़ दिल में रासिख नहीं होती। और ये दिल में रासिख होना इल्म का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर उससे इंसान के अंदर तब्दीली आती है, उसकी सोचों में तब्दीली आती है, उसकी जज्बात में तब्दीली आती है, उसकी अमल करने की सलाहियत के अंदर तब्दीली आती है, उसकी सोच के अंदर जो नशेब व फराज थे उसमें दवाम आना शुरू होता है, उसमें मुस्तकिल मिजाजी आना शुरू होती है, उसमें यकीन आना शुरू होता है। जब इंसान के दिल के हालात इतने सेंसिटिव हैं और इतने हसास हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो इंसान को चाहिए था कि वो अपने खालिक के बारे में, इस ज़िंदगी के बारे में, इस दुनिया के बारे में, इस मकसद के बारे में, इसके बाद सज़ा और जजा के उस सिलसिले के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, उम्मत के बारे में, लोगों के बारे में, माजी की गुजरी हुई कौमों के हवाले से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, सहाबा किराम की ज़िंदगी के हवाले से, उसे बार बार इस पर गौर व फिक्र कर करके उसे अपने दिल में रासिख करना चाहिए था। हकीकत और बातिल, इसके बीच में तफरीक उसको बार बार सोच कर डालनी चाहिए थी ताकि उसके अंदर से एक वक्त गुजरने के बाद मजबूत, कवि, मुस्तहकम और मुस्बत ख्यालात आते जो उसके उसकी ज़िंदगी में ऐसा काम प्रोड्यूस करवाते कि दुनिया उसकी मेहनतों से, उसकी प्रोडक्टिविटी से उसको याद रखती और आखिरत में भी उसको अच्छी जजा मिलती। लेकिन इंसान ने जब भी अपने आप को अपने नफ्स के हवाले किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, ए अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करें, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स तो दुनिया का और आखरत का सबसे पाकीज़ा तरीन नफ्स है, उसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं। इसलिए आज जो हम लोग ये कंप्लेन करते हैं या ये शिकायत करते हैं कि हमें अच्छे ख्यालात नहीं आते, हमसे अच्छा काम नहीं हुआ जाता, मुझसे अच्छा बना नहीं जाता, मैं अल्लाह वाला नहीं बन सकता, या मैं दुनिया के अंदर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक वो बैलेंस, हारमोनी, पीस, सुकून, इत्मीनान ना तलाश कर सका और ना इसको मैनिफेस्ट करा सका, उसकी वजह यही है हमारी ज़िंदगी, हमारी तालीम बचपन से लेके आज तक तरबियत और नशोनुमा के उन फेजेस के अंदर, उन स्टेशंस के अंदर हम लॉस्ट, किसलान, काहली, सुस्ती, माजूरी और कमज़ोरी के ऐसे बाप बांधते आए हैं जिसके अंदर हमने ना अपने ऊपर गौर किया, ना खालिक पे गौर किया, ना दुनिया पे गौर किया, ना अपने मकसद पे गौर किया, ना अपनी हार पे गौर किया, ना अपनी जीत पे गौर किया, ना अपनी खुशियों पे गौर किया। और सबसे बड़ी बात, जिस वजह से अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा था, जो चैलेंज शैतान ने अल्लाह को दिया था कि वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो इनको शुक्र गुजार नहीं पाएगा। इसलिए तो आज हमें महसूस ही नहीं होता कि हमें अपनी हर नेमत पर जो अल्लाह ने हमें दी है, सांस है, आंखें हैं, सोच हैं, दोस्त हैं, रिश्ते हैं, जिस्म है, कुव्वत गोयाई है, देखने की ताकत है, दिल धड़क रहा है, खून चल रहा है, दुनिया के अंदर पैसा भी आ रहा है, माल भी आ रहा है, दौलत भी आ रही है, औलाद भी आ रही है, और जो तकलीफ़ें भी हैं वो उतनी बड़ी नहीं हैं, और जो हैं वो सर पर नहीं चढ़ गई, और जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, और अगर कुछ लंबी भी हैं तो वो कम से कम हमारी सोच और फिक्र को ठीक ही कर रही हैं, हमें आज ही इनकी सारी लेके आ रही हैं। हम इन सब पर इसलिए गौर व फिक्र नहीं करते क्योंकि आज हमारा नज़रिया ही ये हो चुका है कि एक जगह पर पहुँचो और फिर दूसरी के लिए भागो और फिर तीसरी के लिए भागो और फिर चौथी, पांचवी, छठी भागते जाओ, ना मुहासबा करो नफ्स का, ना सोचो क्यों हुआ, किसने किया, मैंने क्या किया, अल्लाह ताला ने इसमें क्या कुछ किया, सब कुछ अल्लाह ही करता है। तो ये सब चीज़ों पर गौर व फिक्र नहीं करने की वजह से, तेज़ी और मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से, कंसिस्टेंसी, सर्टेनिटी के लेवल्स और यकीन के लेवल्स पर ना पहुँचने की वजह से आज हमारी सरसरी सी सोच हो चुकी है। इसलिए ना हमारे अंदर से पॉजिटिविटी आती है और ना ही हम खालिक का, मखलूक का, अपना इस जिस्म का, रूह का और इस दुनिया का कोई हक नहीं अदा कर पाते। और फिर एंड के अंदर हमें अग्यार की तरफ ही देखना पड़ता है, जब नज़रियात की बात आती है, जब अफकार की बात आती है, जब ज़िंदगी गुजारने की तरीकों की बात आती है, जब सक्सेस, लॉस, जीत, हार, इमोशंस और जज्बात को तारीफ़ात देनी होती हैं, तो
ہمیں غیروں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، حالانکہ وفی انفسکم انسان کی اپنی نفس کے اندر ہی اتنے معجزات ہیں. افلا تبصرون، افلا تذکرون، افلا تسمعون، کیا تمہیں نصیحت نہیں ہوتی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کو دکھا کے، اپنے اندر غور و فکر کرا کے، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ کے، اور جس طریقے سے وہ انسان کے معاملات کریٹ کرتا ہے، اس سے انسان کو کمال تک لے کے جانا چاہتے ہیں، جہاں وہ حقیقتوں کو دیکھ سکے، باطل کو بھی پہچان سکے، حق اور باطل کی تفریق کر سکے، اس فینٹیسی سے، اس خیالی دنیا سے باہر نکلے جس میں شیطان نے اور ہماری نفس نے ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم اپنے مقصد پر آئیں، اللہ کی ذات کا اس کامل طریقے سے شکر ادا کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم بھی دیا، جس کے لیے ہمیں تخلیق بھی کیا، اور جو شیطان کا چیلنج بھی تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں غور و فکر کرنے والا، سوچنے سمجھنے والا، راسخ عقیدے والا اور اپنی پختہ بنیادوں کے اوپر مستقل مزاجی سے کھڑے رہنے والا اور اس پر استقامت اختیار کرنے والا بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.